नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं अशोक अज्ञानी जी के साथ, जो एक बहुत बड़े स्केल पे कार्यक्रम होता है माता दीन भंगी का। साहब, मैं बिना पॉलिटिकल क्वेश्चंस के आपसे सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन करता हूँ कि माता दीन भंगी कौन थे, क्योंकि बहुजन समाज के लोग इतिहास नहीं जानते हैं, बहुत सारे अपने महान पुरुषों के नाम नहीं जानते। कृपया उनके बारे में बताएं कि माता दीन भंगी कौन थे और कहाँ से थे और उनकी क्या हिस्ट्री है, वो बताएं। देखिए, माता दीन भंगी इस देश के जो अछूत परिवार से थे, समाज से थे, भंगी समाज से हैं, और उनके माता पिता यहाँ मेरठ से थे उनकी फैमिली, और बाद में वो कलकत्ता, जो ब्रिटिश की, जो उस समय भारत की राजधानी थी ब्रिटिश साम्राज्य की, वहाँ पर जो बैरकपुर छावनी है वहाँ पर वो उसमें कारतूस बनाने की फैक्ट्री में वो कारतूस बनाया करते थे, टेक्निकल काम करते थे, और सिपाही थे और सुपरवाइज़र के रैंक पर तैनात थे वहाँ पर। और क्योंकि उनका नाम माता दीन था और ब्राह्मणों ने वो उनको कुश्ती का भी शौक था, तो जो ब्राह्मण अखाड़े थे, जो ऊंची जातियों के अखाड़े, तो वो वहाँ जाते थे कि भाई मुझे यहाँ कुश्ती सीखनी है, तो वो कहते थे भाई तू भंगी है, तू अछूत समाज का है, तेरे को नहीं रखेंगे। जैसे एकलव्य को मना कर दिया था द्रोणाचार्य ने, कर्ण को मना कर दिया था द्रोणाचार्य ने, उसी तरीके से इनको मना कर दिया कि एक भी ब्राह्मण समाज के लोग अखाड़ों में इनको जगह नहीं दी। तो ये जब फौज में आए, फौज में यहाँ पर लग गए नौकरी पर, तो फौज में जैसा इनका बहुत व्यवहार, बहुत अच्छा व्यवहार था, पढ़े लिखे आदमी, बहुत बढ़िया और अच्छी पद पे थे, तो वहाँ पर 70 नंबर बटालियन में इस्लामुद्दीन नाम के एक मुस्लिम फौजी थे जो बैंड मास्टर थे अपने उसमें बटालियन में, तो वो उन्होंने कहा कि भाई मैं, उन्होंने देखा इनका जज्बा कुश्ती का, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुश्ती सिखाऊंगा, तो उन्होंने कुश्ती सिखाई, वो उनके गुरु हैं। और उसके बाद रुस्तम हिंद का खिताब जीता उन्होंने, क्योंकि जो फौजी कुश्तियाँ होती थी पूरे बंगाल में, पूरे कलकत्ता से 16 किलोमीटर दूर वो छावनी थी, और जो दंगल होते थे उनमें उन्होंने उस समय रुस्तम हिंद का खिताब जीता, और वहाँ पर अंग्रेज़ों के सामने उनकी बड़ी अच्छी छवि थी। और मंगल पांडे जब आए वहाँ पर 1956 के अगस्त सितंबर में, वो वहाँ पर छावनी में आए मेरठ से ट्रांसफ़र होकर के वहाँ अपनी बटालियन में, तो उनको भी कुश्ती का शौक था, और उन्होंने देखा जब अखाड़े में रोज़ कुश्ती कसरत होती थी, कुश्ती होती थी, तो मंगल पांडे ने उनको कहा कि भैया मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। माता दीन ने उनको एक मिनट से भी पहले उसमें चित कर दिया, तो वो दोस्त बन गए। और मंगल पांडे को लगा कि एक तो नाम उनका माता दीन, मुस्लिम नाम जैसा लगता है, प्लस उनके गुरु जो थे वो मुस्लिम इस्लामुद्दीन, और तीसरा ये कि वो जो टेक्निकल काम करते थे, फौजी ड्रेस में रहते थे, सिपाही थे, सोल्जर, तो वो तीनों को चीज़ों को लगा के उसको लगा कि ये तो मुस्लिम समाज से है। उन्होंने दोस्ती कर ली, उनका खाना पीना एक साथ रहता था, सब रहता था। एक दिन अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर एक आया, और मंगल पांडे उस समय अपने बटालियन के काम से छावनी से बाहर थे, तो अंग्रेज वो भी कुश्ती करता था अंग्रेज अफसर, उसने कहा कि भाई माता दीन मुझे तेरे से कुश्ती लड़नी है, उसने कहा ठीक है। उस अंग्रेज अफसर को भी उन्होंने चित कर दिया माता दीन ने, तो जो बाकी जो भारतीय जो मूल के जो वहाँ पर सैनिक थे तमाम, उनको क्योंकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंदर से द्वेष था ही, तो वो एकदम से खुश हो गए कि अंग्रेज़ को हरा दिया माता दीन ने, तो उन्होंने सब ने उनको कंधे पे बिठा के घुमाने लगे, तो उस अंग्रेज़ अफसर ने उस पहले तो माता दीन को गाली दी कि भाई तू अछूत है और तेरे को हमने यहाँ फौज पर रखा, तुम नमक हराम फलान टिकड़ा मेरे साथ तूने ऐसा किया, और फिर उसने उनको कहा कि जिसको तुमने कंधे पर बिठाया हुआ है ये तो भंगी है, अछूत समाज से, इसका छुआ तो तुम पानी नहीं पीते, तुम कंधे पर बिठा रहे हो इसको, तो उन्होंने उनको माता दीन को नीचे गिरा दिया उन सैनिकों ने, और गाली देते चले गए। तब माता दीन ने रणनीति तय की कि जिस कमजोर जाति के, जाति से तुमने मेरा अपमान किया है, जिससे मेरा अपमान हो रहा है, और उसी जाति को मैं हथियार बना करके इन अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करूंगा, इनको भारत की धरती पर नहीं रहने दूंगा। तब उन्होंने 29 मार्च 1857 को उन्होंने, मंगल पांडे जब आए तो उनको पता चल चुका था, मंगल पांडे को जाति पता चल जाएगी, और उनको ये भी पता था क्योंकि दोस्त थे, जब खाते पीते थे बैठ के तो वो अछूतों के विरुद्ध कुछ कुछ बोलते थे मंगल पांडे उनसे दोस्ती में, कि ये ऐसे फलाना ढिकला नफरत की बातें, तो उनको पता था कि मैं उसको कुछ कहूँगा तो फिर उसके बाद कुछ रिवोल्ट होगा। और उनको ये भी पता था कि जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ गाय और सुअर के चर्बी के बने हुए कारतूस बनते हैं, तो जब ये बात वहाँ पर उनको कहेंगे तो फिर वो उसका विद्रोह की तरफ जाएंगे। तो तभी वो सुबह पहुँच गए 29 मार्च 1857 को मैस में, जहाँ पर तमाम फौजी थे। उन्होंने कहा कि भाई माता जी उसको, मंगल पांडे कैसे हो, आप आए भी नहीं मिलने, कब आए वापस? तो मंगल पांडे ने बात नहीं की, तो उन्होंने मग्गा उठाया पानी का, वो पूरा प्री प्लान था, तो उसने कहा अब तू भंगी अछूत है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ये मेरा पानी छुआ? तो तब उन्होंने कहा
कि तो तेरी पंडिताई तब कहाँ जाती है, बड़ा पंडित बनता है कि जब तू सुअर और गाय के चर्बी के युक्त उनको खोल को खोल करके मुँह से खोल के और तो गोली चलाता है तब तेरी पंडिताई कहाँ जाती, तब तेरा धर्म भ्रष्ट क्यों नहीं होता। उसके बाद फिर तमाम जितने भी वहाँ पर वो मुस्लिम सैनिक भी थे और जो स्वर्ण जातियों के सैनिक थे उन्होंने फिर शाम को विद्रोह कर दिया। तो उसके सूत्रधार और उसके बाद जब अरेस्ट किया पहले मंगल पांडे और साथियों सैनिकों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पे जब माता दीन को गिरफ्तार किया तो अंग्रेज़ों ने प्रॉपर उस बात को पाया कि जो मास्टर माइंड है वो माता दीन है, ये नहीं है, ये तो खाली एक हिस्सा भर है। मास्टर माइंड माता दीन को माना और जो केस आज भी दर्ज है इतिहास में ब्रिटिश सरकार बनाम माता दीन एंड अन्य है, ना कि मंगल पांडे। तो अगर मंगल पांडे हीरो थे ये उसको तो फिर उनका नाम होना चाहिए था, माता दीन का क्यों है। और 10 दिन बाद जब फांसी दी गई तो जब फांसी भी सबसे पहले फांसी उस पेड़ पे वो आज भी पेड़ है वहाँ पर, सबसे पहली फांसी माता दीन को दी गई। ये भी क्या अगर पहले मंगल पांडे को देते माता दीन को पहले फांसी क्यों दी। और फिर जो उसके बाद कोर्ट मार्शल जब हुआ उनको फांसी पे चढ़ाने के बाद अंग्रेजों ने कोर्ट मार्शल किया ब्रिटिश आर्मी ने, तो उसमें जो चार्जशीट दाखिल हुई उसमें पहली चार्जशीट उसमें भी माता दीन का नाम है, उन्हीं के विरुद्ध हुई। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो माता दीन को महानायक बनाती हैं और उनके हिस्से का इन ब्राह्मणवादी साहित्यकारों ने इन्होंने द्वेषपूर्ण जाति की धारणा को आगे रखते हुए एक उसको ब्राह्मण को उन्होंने मंगल पांडे को उन्होंने हीरो बना दिया, जबकि 1857 की जो महान क्रांति हुई क्योंकि वहाँ से शुरू हुई पूरे देश में फैली। तो उधर झांसी में झलकारी बाई लड़ रही हैं वो भी दलित हैं, उधर क्या कहते हैं वहाँ आपका कानपुर में वो गंगू मेहतर लड़ रहे हैं वो भी भंगी समाज से हैं, और इधर बल्लू मेहतर और रामचरण जाटव वो लड़ रहे हैं यहाँ पर कासगंज में, उनको तो अंग्रेजों ने पेड़ से बांध के कासगंज में गोलियों से उड़ा दिया, 15 लोगों को फांसी नहीं दी गोलियों से उड़ाया। तो 1857 का जो महान विद्रोह हुआ उसमें अनुसूचित जाति दलित समाज का एक महान योगदान है और उन तमाम दलितों का हम इतिहास खोद खोद करके निकाल रहे हैं। और ये शुरुआत है माता दीन के, आज हमने किताब का भी विमोचन किया है और आज हमने सरकार से मांग की है ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी भारत सरकार से भी कि हमें इनसे जुड़े हुए तमाम दस्तावेज, इनके वहाँ पर फैक्ट्री आज भी है वो कारतूस फैक्ट्री वहाँ पर बैरकपुर में जिसमें काम किया करते थे वो, कि उनसे जुड़ा हुआ उनके जितने भी सरकारी दस्तावेज चाहे अपॉइंटमेंट लेटर हो चाहे वो उनका क्या कहते हैं उसका हाजिर रजिस्टर हो सैलरी रजिस्टर हो चाहे वो उनकी FIR की कॉपी चार्जशीट की कॉपी, हमें सारी कॉपियां चाहिए जिससे कि हम उसके उस पर एक ऑथेंटिक इतिहास बना करके हम दुनिया के सामने लाएँ। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बाकी मंगल पांडे और दूसरे जो साथी हैं उनको भी शहीद का दर्जा मिले, मगर जो शहीद आजम है जो असली शहीद है जिसकी पहल पर जो सूत्रधार है जिसने उस महान 1857 की विद्रोह को हवा दी चिंगारी दी उसको पनपाया और उसकी शुरुआत की, तो उसको तो आपको भारत रत्न देना पड़ेगा। हम ये मांग कर रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे हैं कि भैया आप हमें दस्तावेज दो, ये हमारी आज का धरने का उद्देश्य है, ये माता दी।